बोले श्री आदिनाथ भगवान की जय। प्रयाग नगर के जीरो रोड स्थित श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर जी में स्थित है। भगवान आदिनाथ का एक हम लोग दोहा पढ़ते हैं, वो सुना रही हूँ। श्री आदिनाथ के समो शरण में अतिशय हुआ है भारी, सब लोगों की मनोकामना पूरी होती सारी। नाचो गाओ छत्र चढ़ाओ नहन करो सुखकारी, अष्ट द्रव्य का थाल सजाओ कर्म नशावन हारी। यहाँ पर हम सब छत्र चढ़ाते हैं, नहन करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उससे हम सब की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं। इन 24 तीर्थंकरों को, क्योंकि हमारे तीर्थंकर कोई ना वस्त्र पहनते हैं ना अस्त्र शस्त्र लेते हैं, इसलिए इनकी पहचान कैसे की जाए? तो जब उनका जन्म होता है तब उसी टाइम उनके दाहिने पैर के अंगूठे में इंद्र देखता है कि वो चिन्ह बना होता है। जैसे आदिनाथ भगवान के अंगूठे में बना हुआ चिन्ह बैल का था, तो उसने ये पहचान घोषित कर दी कि ये आदिनाथ भगवान है, जिससे कि बाद में जब उनकी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं तो उससे उन्हीं की पहचान होती है कि ये आदिनाथ भगवान की मूर्ति है कि महावीर स्वामी की मूर्ति है कि किस भगवान की मूर्ति है। तो 2400 भगवान के इसी तरह से सभी की वही होती है कि जैसे उनकी तीर्थंकरों के पैर के अंगूठे में चिन्ह दिखता है, उसी चिन्ह से उनकी पहचान घोषित की जाती है। इसी तरह से जैसे आदिनाथ भगवान का बैल होता है, अजितनाथ का हाथी, संभवनाथ का घोड़ा, अभिनंदननाथ का बंदर, सुमतनाथ का चकुआ, पद्म प्रभु का कमल, सुपार्शनाथ की सथिया, चंदा प्रभु का चंद्रमा, पुष्पदंत का मगर, शीतलनाथ का कल्पवृक्ष, श्यामनाथ का गेंडा, वासुपूजी का भैंसा, विमलनाथ का सूकर, अनंतनाथ की सेही, धर्मनाथ का वज्रदंड, शांतिनाथ का हिरण, कुंथनाथ का बकरा, अरेनाथ की मछली, मल्लीनाथ का कलश, मुंशुव्रत का कछुआ, नमीनाथ का नीलकमल, नेमीनाथ का संग, पाशनाथ का सर और महावीर स्वामी का शेर। ये 24 चिन्ह जिनसे हमारे तीर्थंकरों की मूर्तियों की पहचान की जाती है।